नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कोरोना लॉकडाउन राहत पैकेज, कर्मचारियों के मुद्दे पर एक खास चर्चा। बलवंत सिंह रघुवंशी जी के साथ, जो कि अध्यक्ष हैं हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ के, महामंत्री हैं निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी समन्वयक महासंघ के, जो कि 84 निगमों का संगठन है। इसके अतिरिक्त और भी कई समाज सेवी संगठनों से आप जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार बलवंत जी। नमस्कार आदरणीय निमा जी। और बलवंत जी कैसे हैं अभी लॉकडाउन में? बढ़िया है, घर पे ही है। बलवंत जी, ये लॉकडाउन और कोरोना के चलते आप चूंकि कर्मचारियों के नेता हैं, एक बहुत बड़े कर्मचारी वर्ग का आप नेतृत्व करते हैं, तो इस दौरान सभी कर्मचारी, सारे शासकीय कार्यालय तो बंद है अभी तो जी, तो आगे कैसे क्या इसको आपके दृष्टिकोण में? तो कर्मचारी निश्चित रूप से कुछ ऑफिस बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे मेडिकल स्टाफ, नगर निगम के हमारे कर्मचारी, बिजली विभाग के हमारे सम्मानित कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और उसी का कारण है आज कोरोना जैसी महामारी से हम कुछ हद तक, इतनी बड़ी महामारी के बाद भी कुछ हद तक हम उसमें निपट पा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा, आज भी भोपाल में अनेक लोग उससे ठीक होकर घर आए हैं। इसी प्रकार यदि एमपीबी के बिजली विभाग के कर्मचारी काम नहीं करते तो आज ऑफिसों में या जो हॉस्पिटल्स हैं, घरों में बिजली की उपलब्धता नहीं हो पाती। तो निश्चित रूप से आपने जो बात बोली अभी कि कई मरीज ठीक होकर आए हैं, भगवान करे सभी जल्द से जल्द ठीक हो, हम तो यही कामना करेंगे, लेकिन अगर अपन दूसरे प्रदेशों से तुलना करें जी, तो मध्य प्रदेश में ठीक होने वाले संक्रमितों की संख्या कम है, मौतों का आंकड़ा ज्यादा है। हाँ, हो सकता है दूसरे प्रदेशों में उस चीज को जल्दी पकड़ लिया, या उस चीज का चूंकि अपन धार्मिक पहलू भी अपन जोड़ सकते हैं, कुछ बाहर के लोग। देखिए इसमें क्या, ये आपकी मैं बीच में बात काट रहा हूँ। देखिए केरल की मैं बात करूंगा, केरल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। केरल जब ये कोरोना भारत में शुरू हुआ उस समय केरल बिल्कुल टॉप पर था। यस, शुरुआत वहीं से हुई थी, है ना। और आज देखिए आप केरल में जो मरीजों की स्थिति है वो कम है, साथ में वो ज्यादा नहीं बढ़ी। दूसरी बात, जो ठीक होने वाले, स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनका यदि अपन परसेंटेज निकालें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज केरल का ही है इस वक्त। हाँ बिल्कुल, हो सकता है। इस बात को मैंने पहले भी कहा है कि केरल में पहले भी स्वाइन फ्लू और जो दूसरा एक रोग आया था उस समय भी केरल ने बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया था, और निश्चित रूप से इस बार भी, क्योंकि पहला केस 29 जनवरी को केरल में ही पाया गया था। यदि हमारे देश की सरकार, हमारे आदरणीय नेतागण उस समय तुरंत इस पर काबू कर लेते, उसको समझ सकते उसकी भयावहता को, तो निश्चित रूप से जो आज स्थिति बन रही है वो नहीं बन पाती। फिर भी मध्य प्रदेश में चूंकि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम रहा वो सभी जानते हैं, उसके कारण कुछ डिले हुआ, लेकिन जैसे भी हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया और कुछ हद तक, मैं ये कहूँ कुछ हद तक उस पर सफलता पाने का प्रयास किया है। इसमें सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए। वहां कर्मचारियों की बात है तो कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं का 100% दिया है। एक पुरानी कहावत थी हमारे सरकारी कर्मचारियों के बारे में, ये सब नाकारा होते हैं, लेकिन आज उन सरकारी कर्मचारियों ने ये पूरा प्रशासन को और ऐसे बकवास करने वाले लोगों को बता दिया है कि निजी चैनल के लोग, निजी कर्मचारियों से कई लोग जो चैनल वाले मीडिया जगत ने भी हमारा साथ दिया है। फिर भी डीए रुक गया, कर्मचारियों की कर्मण्यता की आज अपनी दुहाई दे रहा है। एक आपने बहुत अच्छी बात कही है जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। मध्य प्रदेश भारत शासन को भी और मध्य प्रदेश शासन को भी कर्मचारियों को ऐसा लगता है कर्मचारी काम नहीं करते इसलिए डीए रुक गया, सरकार की आर्थिक परेशानी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं सरकार नहीं, सरकार के जो चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाह वेतन ही रुकते हैं, उनको लाखों में वेतन मिलता है, साथ में पूरी सुविधाएं, अनेकों सुविधाएं, गाड़ी, बंगले, घोले, नौकर चाकर, बच्चों की फीस तक, बच्चों के बैग का पैसा, बच्चों की किताबों का पैसा तक सरकारों से, विभागों से लेते हैं। अच्छा। उन लोगों ने कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों के साथ अन्याय करवाया है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा और भारत शासन के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि कर्मचारियों की बहुत छोटी छोटी वेतन होते हैं, लिमिटेड वेतन होते हैं, और उस वेतन में वो अपना घर परिवार चलाते हैं, अपने वेतन तो मिल रहा, वेतन तो सरकार दे रही है ना, अभी लॉकडाउन में भी वेतन मिल रहा है कर्मचारियों को। हाँ, तो वो वेतन जो मिलता है वो बहुत कम होता है, उसमें यदि ये 5% जो हमें डीए मिलना था वो रोक दिया है, तो निश्चित रूप से ये कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। बलवंत जी, बलवंत जी, कर्मचारियों को तो इस लॉकडाउन के दौरान वेतन तो कम से कम मिल रहा है, आप उस वर्ग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो जिनका कारोबार, दुकान, जो छोटे दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें बंद है, जिनका कारोबार बंद है, उनके ऊपर भी सारी जिम्मेदारियां, उनको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, आगे स्कूल खुलेंगे, स्कूल वाले तो फीस माफ कर नहीं रहे हैं, साल भर से इतने सालों से करोड़ों कमा रहे हैं स्कूल वाले, लेकिन आज दो तीन महीने, 4 महीने की फीस करने में उन्हें, माफ करने में उन्हें तकलीफ हो रही है। आपका प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है, स्कूल जो चलाते हैं, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, उनके खर्चे भी बहुत सारे होते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट में ज्यादातर शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं, कुछ बड़े बड़े संस्थानों को छोड़ दिया जाए जिनके 5-5, 10-10 एकड़ में स्कूल हैं, तो मैं आपकी बात चलिए, मैं स्कूल वालों का दर्द भी आपने जो बयान किया वो मैं समझ गया, लेकिन सरकार को, सरकार जो राहत निकालती है एक निम्न वर्ग को ध्यान में रखकर, भाई एक उच्च वर्ग है उसे तो किसी तरह के राहत पैकेज की जरूरत नहीं है, निम्न वर्ग को जरूरत है उसको निकालती है, लेकिन एक ये जो निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग है भाई, इसको भी राहत की जरूरत है, सरकार इनकी तरफ कब देखेगी? निश्चित रूप से आपका जो भावना है, आपके भाव है, उन मध्यम वर्ग को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है, उस मध्यम वर्ग में जितने नियम, जितने कानून बनते हैं, जितने टैक्स थोपे जाते हैं, सब दुकानदार के ऊपर है, बिजली का बिल समय पे भरना है, सारी चीजें, अपने कर्मचारियों को वेतन भी दे दो, देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, अरे भाई कारोबार बंद है, कई कारोबार उद्योग धंधे ऐसे हैं जो पूर्व में घाटे में चल रहे हैं, ऐसे में कर्मचारियों को निरंतर रखते हुए आदमी वेतन कैसे देगा? लेकिन जहां तक आपने वेतन की बात करी है, तो प्रधानमंत्री जी ने उन उद्योगपतियों से कहा है जिनको भारत शासन और स्टेट प्रदेश शासन हमेशा जमीनें बहुत सस्ते दर पे देते हैं, मतलब फ्री के उसमें जमीनें मिलती हैं, साथ में बिजली के जो दर है, पानी की दर, बहुत ये दरों में 75% कटौती रहती है। इसी विसंगतियों पर तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये जो विसंगतियां बनी हुई है, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन जो सरकार से लाभान्वित हो रहे हैं, और एक वर्ग ऐसा है जो सरकार का ध्यान ही नहीं है उस तरफ, ध्यान ही नहीं, निश्चित रूप से मध्यम वर्ग, सरकार इस वर्ग की तरफ कभी ध्यान देगी नहीं देगी। छोटा व्यापारी वर्ग हमारा बहुत परेशान है, कुछ जीएसटी के कारण हुआ था, और कुछ जो बड़े उद्योगपति हैं, जो भारत के माने हुए ख्यातनाम उद्योगपति हैं, वो रिटेलिंग में आए हैं, जब रिटेल व्यवसाय में आ गए हैं, तो हमारे देश के जो छोटे और मध्यम व्यापारी थे उनके ऊपर कुठाराघात हुआ है, तो देश के शासन को और इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ बड़े ही बड़े छाए जा रहे हैं और मध्यम और छोटे व्यापारी अपने बोझ तले दबे जा रहे हैं। ठीक है बलवंत जी, अब देखते हैं सरकार इनकी कब सुध लेती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं अलग जगाने की, और आपने जो चर्चा की वो सार्थक, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा था जी, मैं समय जगत चैनल का, क्योंकि मैं पिछले दिनों कई दिनों से आपने जो अलग जगाई है लोगों को जगाने की और कोरोना वायरस के प्रति जागृत करने के लिए, इसकी मैं समय जगत चैनल के प्रमुख पंडित अशोक त्रिपाठी जी और आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। साथ में एक अनुरोध देश के प्रधानमंत्री जी से कि जो हमारे माननीय नेताओं को पेमेंट मिलता है उस वेतन में कटौती, 1-2 साल की रोक लगाएं, साथ में ब्यूरोक्रेट्स को जो फ्री की सुविधाएं मिलती हैं, वेतन की बात, वेतन तो उनको 2-2.5 लाख मिलता है, मिले, लेकिन जो फ्री की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, वो सुविधाएं यदि बंद कर दी जाएं, तो हमारे देश में, हमारे देश का खजाना, बहुत कुछ पूर्ति हो सकती है, इन गरीब छोटे कर्मचारियों पर यह घात न करें। बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत पारगर्भित चर्चा आपसे हुई हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का, साधुवाद रेमा जी, धन्यवाद धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।